नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई चौक। और भोला भाई चौक से गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र का जो लगातार अनुपक्ष सर्वे जारी है, उसके तहत हम फिलहाल भुतहा बाजार में हैं, जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ जो लोग भी हैं, जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे उनके नाम के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से उनका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है। हालांकि अभी प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उनके नाम के आधार पर यह सर्वे किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वे है ये अनकट है, यह सर्वे कोई एडिटिंग इस सर्वे के वीडियो में नहीं आपको मिलेगा। और मेरी ये कोशिश है कि इस सर्वे के द्वारा हम अपने निष्कर्ष पर पहुँचे कि वास्तव में जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र है उसके जो मतदाता हैं उनका पहला पसंद कौन है। आपका नाम, हमारे साथ एक शख्स है, यहाँ और भी लोग हैं, हम एक एक कर सबसे पूछना चाहेंगे, जो भी बताना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रामा सिंह। रामा सिंह जी, आप कहाँ से हैं? कहाँ से? भूटान से। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से। अभी प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं जिनका नाम सामने आ रहा है संभावित प्रत्याशी के रूप में, उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? इसलिए इसमें तो है कि जो भाजपा के जो साथ से जो आएगा 21 दिन के साथ हम लोग हैं, अगर कोई भी यहाँ से होगा भाजपा आएगा चाहे जो भी आएगा हम लोग सीधे करते हैं। मतलब आपका कहना है कि NDA जी, NDA के तहत जो कैंडिडेट होगा वो आपका पहला पसंद। अच्छा, जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के, उनका काम आपको कैसा लगा? नहीं, हम लोग का अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब, क्या अच्छा नहीं? काम धंधा भी नहीं हुआ है पंचायत में, कहते हैं जब करवा देते हैं कुछ नहीं हुआ। आज तक ले पहले देखिए हमारे यहाँ, देखिए कितना कीचड़ है रोड पर, और आगे जाइएगा तो और भी ज़्यादा मिलेगा आपको। बोले कि हम अभी करवा रहे हैं। आप दिखा दीजिए, आप वीडियो के द्वारा दिखा दीजिए जो ये बता रहे हैं, जो रोड बने हुए हैं गाँव में जाएंगे तो, और ये मीना देवी का बनाया हुआ रोड है अभी 1000 पर। और इनका कहना है कि मीना देवी जी का, हाँ, उन्हीं का बनाया हुआ रोड है। तो आप यहाँ एक और शख्स हैं उनसे भी, आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? कहाँ बाजार से? अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जो संभावित प्रत्याशी के नाम आ रहे हैं उनमें आपका पसंदीदा कौन है? मतलब इनका कहना है कि NDA से जो आएगा, NDA का जो प्रत्याशी होगा वो इनका पसंदीदा प्रत्याशी है। और यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम एक एक कर उनके भी जो मत हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। और आपका बताएं, आपका नाम क्या हुआ? बिपिन दास। अच्छा, बिपिन जी आप कहाँ से हैं? भुतहा बाजार से। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से अभी जो प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं डिक्लेयर नहीं संभावित प्रत्याशी, उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? NDA से जो भी आएगा। तो इनका भी कहना है कि NDA से जो आएगा वो इनका पसंदीदा प्रत्याशी है, NDA इनकी च्वाइस है, NDA से प्रत्याशी जो भी हो, NDA जिसको भी चुने ये उसको अपना पसंदीदा प्रत्याशी मानते हैं। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हैं? कहाँ से? ये दुकान अभी किया गया? अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जो भी संभावित प्रत्याशियों के जो नाम आ रहे हैं उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? भाजपा को वोट क्यों? भाजपा के संगे से जी पार्टी आ गया, भाजपा के साथ जो आए जो पार्टी आए, मतलब भाजपा इनकी पहली पसंद है, इनकी पहली पसंद BJP है। और यहाँ एक और शख्स है, दो तीन नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे, क्या पसंद कौन है? आपका नाम क्या हुआ?
नथुनी प्रधान। तो ये जो सर्वे हो रहा है ये अनकट है, इसमें कोई कट नहीं हो रहा है। और आपने जो पहले जो बताया था वो कट हो गया था, इसमें गाना चल जाने की वजह से उस वीडियो को हटाना पड़ा, कॉपीराइट वगैरह चांसेस हो गए। आपका नाम क्या हुआ, क्या बताए आप कहाँ से हैं? नया गांव। नया गांव। आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? भाजपा से आएगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो इनका कहना है कि जो भाजपा से आएगा उसी को वोट दिया जाएगा। और यहाँ कुछ और भी लोग हैं, लेकिन कर हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। आपका नाम क्या हुआ? बबलू कुमार पांडे। बबलू कुमार पांडे, आप कहाँ से हैं? जी हम पश्चिमी गरम राय कर दिया प्रखंड पहाड़पुर जी। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से अभी जो भी प्रत्याशी हैं डिक्लेयर नहीं है, संभावित जो प्रत्याशी हैं उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? ये तो सर सब कोई पसंद है, क्या पसंद कोई करेगा नहीं करेगा। रोड का हाल देखिए, अभी इतना कीचड़ से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग कीचड़ में हैं, तो क्या किसी को पसंद करेंगे या ना करेंगे जी? हम अपना मतदान उनको दे रहे हैं, हम अपना मतदान उनको दे रहे हैं, इतना हम लोग कीचड़ में जी रहे हैं, क्या पसंद करेंगे? नहीं, कीचड़ में जी रहे हैं वो तो है, लेकिन मतदान तो करना होता है। मतदान तो करते हैं। तो आपका जो पसंदीदा प्रत्याशी है वो कौन है, ये हम जानने के लिए बीजेपी, ये बीजेपी को वोट करेंगे। और फिलहाल यहाँ से जो मौजूदा जो विधायक हैं वो भी गठबंधन के तहत आते हैं, वो भाजपा से हैं, और गठबंधन के तहत ही आप मान के चले अगर भाजपा गठबंधन सुविधा नहीं है तो कहना है ये बीजेपी को वोट राजू तिवारी को जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ और भी लोग हैं और हम उनसे भी उनके नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे, उनका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है और कोई यहाँ तो बताना नहीं चाहते हैं लोग हैं यहाँ अलग अलग। आपका नाम क्या होगा? पशु। आप कहाँ से? बोलवा से। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र का पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? आपका कितने पड़ता है? हर टीवी से आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? हर टीवी विधानसभा क्षेत्र से आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? आप किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं? जो संभावित प्रत्याशी नाम आ रहे हैं, आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? कौन है? हाँ। नहीं, आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? विधानसभा जो विधायक का चुनाव होने वाला है, आप किसको चुनना चाहेंगे? अभी आप नहीं बताने चाहेंगे, अभी ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भोला अंसारी। आप कहाँ से हैं? किसी पंचायत से? भूटान से ही। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जो संभावित प्रत्याशी हैं उनमें आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? पसंद करने से क्या फायदा है? नहीं, आपको वोट जो कमाया होगा वही ना खाएगा? नहीं, जो वोट तो करना होता है, करना होता है, हमें सोचिए हम कमाए होंगे तो हम खाएंगे, अगर वो लोग कमाए होगा तो वोट खाएगा। वोट देना है ना, वोट हमको तो देखिए, हमको जिसको वोट दिए जिस इनको उनसे हमको आज तक भेंट नहीं, बाकी जिनको वोट देकर विधायक बनाए अभी विधायक है उनसे हमारा आज तक भेंट नहीं, तो फिर विधायक के वोट होने वाला है, जिनसे भेंट होगा उनको दिया जाएगा। तो इनका कहना है कि जिनसे इनको मुलाकात होगी, जो इनसे मिलेगा ये उसको वोट करेंगे। तो ऐसा होता है कि यहाँ जो विधानसभा का जो चुनाव होता है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और कई प्रत्याशी जो होते हैं आम जनता है, जो उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई नहीं मिलता है, उनको छूट
जाते हैं, उनका वोट जो है वो उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे लगातार ये सर्वे, अनकट सर्वे जारी है, आप देखते रहिए भोला भाई को।